दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें देखने वाले हैं और वैसे एक दो दिन का कंटेंट ये हो गया है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है और उसी के साथ आप वीडियोस देखते जाइएगा और एंजॉय लेते जाइएगा। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं और मनु को छोड़ के आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था यानी टेक गुरु प्रखर जी वो जो है हमसे मिलने आए हुए थे, यानी मेरे मौसी के लड़के ही हैं तो ऑफकोर्स ही बात है वो आएंगे मेरे घर। अब उनको जो है छोड़ने की बारी आई है, वो कह रहे हैं वापस जाएंगे मामा के यहाँ, फिर वहाँ से जाएंगे जहाँ रहते हैं नोएडा में। तो चलिए उनको सबसे पहले छोड़ते हैं। ये देखिए बैठे हुए हैं ऑटो में हम दोनों लोग और ऑटो देख रहे हैं ये शहर के बीचों बीच से जा रही है ऑटो और यहाँ पे धीरे धीरे हमारा सफ़र जो है वो सुहाना लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं भी बैठा हुआ हूँ और कोरोना का टाइम है तो थोड़ा इधर उधर बचना है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लिप आप ये देख रहे हैं, ये हम लोग बस में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर का सफ़र हमारा और बचा हुआ है। तो यहाँ पे हो गई है उद्घाटन इस दुकान की, इसी समोसे और चटनी के साथ। और देख रहे हैं अब इसकी कंडीशन किस प्रकार की है और कैसा ये बन के रेडी हो चला है अभी सहस्त्र साल बाद। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दर्शन करने के लिए और ये जो ब्लॉग है वो जाएगा यूट्यूब के ऊपर और ये भाई लोगों के साथ। तो आप क्या एक्सपीरियंस, अरे यार कैमरा बहुत तो ये वन प्लस के कैमरे के आगे काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचा दिए हैं, गंद मची हुई है यहाँ पे, गंद मचाए हुए हैं कैमरे के आगे। और ब्लॉगिंग सेटअप कंटिन्यू चलो ये चल रही है भाई की। अच्छा इधर ये देख क्या बड़े मज़े में फुटल आनंद फुल्की खा रहे हैं आप भी यहाँ पे बैठ के आराम से। सहस्त्र साल बाद हम लोग जा रहे हैं आगिन बीर दर्शन करने और आज जो है इतने लोगों के साथ जाया जा रहा है काफी ब्रॉड सचिन के भी साथ हैं, काफी ब्रॉड जो है आज सचिन और मिथुन तो हाँ सब काफी अच्छे आ रहे हैं कैमरे के अंदर। तो यहाँ धीरे धीरे चल रहे हैं, बाकी आगे का प्रोग्राम आपके सामने होगा। तो दोस्तों अब हमारी बटालियन जो है वो जंगलों के बीच आ चुकी है और कैमरे का एंगल कुछ इस प्रकार से चेंज कर लिया जाएगा। दोस्तों ये देखिए जंगल के रास्ते सब लोग निकल रहे हैं और ब्लॉगिंग जो है वो अब यहाँ से कंटिन्यू होगी और इसको एक बार आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एक नए मेंबर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं हम लोगों को। तो ये एक रास्ता है देख रहे हैं और ऐसे जाएंगे। तो ये जो है बटालियन आगे बढ़ते हुए जंगलों के बीच से और ये झाड़ियों के पास यहाँ पे देखिए ये जो तालाब है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना तालाब है और इसको ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है, इसके ऊपर पूरा कवरअप है। एक बार आप इसको देख चुके हैं पर उस टाइम पे जो है सिर्फ हम दो लोग थे, इस बार बाकी और सारे लोग आए हैं यहाँ पे हमारे साथ। और सुबह जो है वहाँ गए थे दर्शन करने क्योंकि यहाँ पे देखिए परंपरा ये है कि सबसे पहले यहाँ पे दर्शन किया जाता है, उसके बाद नुजाही माई का दर्शन किया जाता है जो कि आपने देखा ब्लॉग में या फिर मे बी मैं इसके बाद डालूं या इससे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो कि एक बहुत ही पुरानी आस्था का केंद्र है यूट्यूबर हैं भैया और ये देख रहे हैं आप लोग काफ़ी कम लोग अभी देखते हैं। और ये देखिए इस साइड तालाब है पूरा, बीच में बकुला बैठा हुआ है और वैसे भी इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है वो है कि क्या है ये प्लेस कैसा है, प्राइवेट स्विमिंग पूल हम लोगों का ये साइड। तो अभी बस घूमेंगे टहलेंगे यहाँ पे एंजॉय करेंगे और ये देखिए बाल बनाते हैं जुल्मी भाई मुख्य कलाकार यहाँ पे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए मास्क हटाते हुए भाई बहुत बढ़िया खूबसूरत है यहाँ पे, हमने चंदन वगैरह भी लगा लिया है देख रहे हैं चारों तरफ। यहाँ से जो है प्रस्थान करने का वक्त आ गया है, यहाँ पे कुछ सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। दोस्तों ठंडी का मौसम और हवाएं जो हैं वो अपनी तेज़ी से चल रही हैं, शीतलहर जारी है, हाथ वो ठंडे पड़ रहे हैं और बैठ के यहाँ पे धूप लिया जा रहा है फिलहाल। और इसी के साथ एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारे सामने ही बैठी हुई है
साइड में। ये भी लग रहा है धूप सेकने का काम कर रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये भी धूप ले रही होगी, इसको कोल्ड स्ट्रोक में भी पड़ा हो। तो वैसे भी ठंड अब जो है बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, अब यहाँ से लेके 15-20 और जनवरी एंड तक आप समझ लीजिए कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। टेम्परेचर जो होगा वो 7-4-5 इसी के बीच रहने वाला है मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम जो जाएगा 12-13-14 के आसपास जाएगा। और ऐसे अगर सूर्य की कृपा रहती है, सन की रेज आएंगी, तब समझ लीजिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, वरना फिर अगर बादल उदल आ जाते हैं तो टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन रहेगा और कुड़कुड़ाएंगे बैठ के ठंडी में हम लोग आराम से। तो देखिए अभी चेतना आ गई है और मैडम उड़ के वहाँ पहुँच गई है, ये देखिए। तो अभी जो है उसके अंदर चेतना आ गई है और कोल्ड स्ट्रोक से वो बाहर आ गई है, थैंक्स टू सन, क्योंकि सनलाइट की वजह से वो उसके अंदर थोड़ा गर्मी आई होगी और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वो फूलों पे जाके बैठ चुकी है और पराग लेने की कोशिश में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिड़िया का बच्चा है, सारी चिड़िया मेरे आने पर भाग गई हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो यहीं पर रुक गया है और इसकी माँ आ रही है बार बार देख के मुझे डर जा रही है। अब ये बेचारी समझ नहीं पाई कि एक्चुअली में हुआ क्या है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। दोस्तों एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पांच आपको देखने को मिल जाएंगे मोर और मोर के बच्चे। तो यहाँ पे जो हैं ये रोज़ सुबह जब 6-7 बज जाते हैं यानी सूर्योदय हो जाता है, सनराइज़ हो जाता है, तो ये जो है इसी रास्ते से जाते हैं, और जाते हैं तो थोड़ा जंगल वगैरह है तो वहीं पे थोड़ा बहुत अपना दाना वाना चुगते हैं, और जैसे ही शाम हो जाती है वैसे ही ये फिर इस प्रकार से उड़ते हैं और मेरे घर के सामने से रोज़ जाते हैं। एक दिन का मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि ये जब आया जाया करते हैं तो दो कुत्तों की नज़र, शिकारी कुत्तों की नज़र इन पे पड़ गई, और वो कुत्ते इनका शिकार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो जो है इनको सिर्फ खाना चाहते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा करने में मज़ा भी आ रहा था, पर एक के ऊपर हमला किया। गनीमत इस बात की थी कि वो थोड़ा बहुत इंजर हुआ लेकिन उसकी जान जो है बच गई। और कभी कभी आते हैं जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने छोड़ दिया शिकार करना, पर इनके लिए खतरा भी बना हुआ है। अपने खेतों की तरफ और वहीं पे करेंगे इस वीडियो को एंड, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर फील्ड। और यहाँ पर देख रहे हैं सूरज देवता जो है निकल आए हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा धूप है और रियायत है अभी ठंड से, वरना ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है आजकल। अब जो हरियाली है वो चारों तरफ दिखने लगेगी आप लोगों को, अगर आप देखेंगे, देखिए इन फील्ड्स में, क्योंकि अभी जो है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बड़े होंगे अब पकेंगे, अनाज पकने का टाइम आ गया है। और वैसे भी ये जो खूबसूरत फूल आपको दिख रहे हैं इनमें भी अब फल लगने वाले हैं, यानी सरसों। तो खेतों में हम लोगों की जो रडार है वो हमने दौड़ाई लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर से अब रिटर्न हो गया, कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, और पीछे कोई नहीं है तो आराम से अपनी साइकिल को हम लोग यहाँ पे पार कर देते हैं। और यहाँ पे हमें कोई नहीं दिख रहा है, यानी कोई ग्रेजिंग नहीं, कोई घुसपैठिया हमारे खेतों में आया नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सब एकदम अच्छा दिख रहा है चारों तरफ, और यहाँ से वहाँ उस खेतों की तरफ भी नज़र जाती है हम लोगों के, तो वहाँ भी देख लेते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं है, यानी कोई नीलगाय वगैरह नहीं आई हुई हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए एक आ रहे हैं भाई साहब, और सब जो है अपने अपने कामों में इंगेज हैं, और हम भी अपने काम में लगे हुए हैं ब्लॉगिंग के। तो मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वैसे भी डिसलाइक का रेशियो एक बार मेरी कुछ वीडियोज़ पर ज़्यादा हो गया है, और मुझे देख के कम से कम खुशी मिलती है कि हाँ कोई नया बंदा देखा है, क्योंकि ब्लॉगिंग चैनल पे तो कोई हार्डली व्यूज़ आते हैं हमारे अभी फ़िलहाल, और आते होंगे फिर कहीं भी। बहुत मतलब क्या चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है अपना।